नमस्ते मित्रों, हमारा आज का विषय है सममिति। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि सममिति का अर्थ क्या होता है, रैखिक सममिति क्या होती है, दर्पण परावर्तन क्या होता है, घूर्णन सममिति क्या होती है, घूर्णन सममिति के कुछ उदाहरण भी देखेंगे। सममिति सममिति एक महत्वपूर्ण ज्यामितीय अवधारणा है जो सामान्यतः प्रकृति में प्रदर्शित होती है तथा क्रियाकलाप के लगभग सभी क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता है। कलाकार, व्यवसायी, कपड़े या ज्वेलरी डिजाइन करने वाले, कार निर्माता, आर्किटेक्ट तथा अनेक अन्य सममिति की संकल्पना का प्रयोग करते हैं। मधुमक्खियों के छत्तों, फूलों, पेड़ की पत्तियों, धार्मिक चिन्हों, कंबलों और रुमालों, इन सभी स्थानों पर आपको सममित डिजाइन दिखाई देंगे। रैखिक सममिति, चलिए अब जानते हैं कि रैखिक सममिति क्या होती है। एक आकृति में रैखिक सममिति तब होती है जब उसमें एक रेखा ऐसी हो जिसके अनुदिश उस आकृति को मोड़ने पर आकृति के दोनों भाग परस्पर संपाती हो जाते हैं। आपको चित्र में इसके उदाहरण भी दिखेंगे। वैसे तो आप जानते ही होंगे कि बहुभुज एक ऐसी बंद आकृति है जो अनेक रेखाखंडों से बनी होती है। सबसे कम रेखाखंडों से बना बहुभुज एक त्रिभुज कहलाता है। एक बहुभुज समबहुभुज तब कहलाता है जब इसकी सभी भुजाओं की लंबाई बराबर हो तथा सभी कोणों के माप बराबर हो। इस प्रकार एक समबहुभुज त्रिभुज तीन भुजाओं वाला एक सम बहुभुज होता है। उसी प्रकार चार भुजाओं वाला सम बहुभुज वर्ग कहलाता है और पांच भुजाओं वाला समभुज पंचभुज कहलाता है। तो अगर एक समभुज तीन भुजाओं से बना हो तो वह सम त्रिभुज कहलाता है और उसमें तीन रैखिक सममितियां होती हैं। उसी प्रकार एक सम बहुभुज वर्ग में चार रैखिक सममितियां होती हैं और एक सम पंचभुज में पांच रैखिक सममितियां होती हैं। दर्पण परावर्तन। एक आकार रैखिक सममिति तब होता है जब उसका एक आधा भाग दूसरे आधे भाग का दर्पण प्रतिबिंब हो। दर्पण परावर्तन के साथ काम करते समय यह ध्यान रखें कि आकृति की अभिमुखों में दाएं बाएं का परिवर्तन ना हो जाए। घूर्णन सममिति। घड़ी की सुइयां जब घूमती हैं तो हम कहते हैं कि वो घूर्णन कर रही हैं। घड़ी की सुइयां जिस दिशा में घूमती हैं वह घूर्णन दक्षिणावर्त घूर्णन कहलाता है और दूसरी दिशा में घूमने पर वह घूर्णन वामावर्त कहलाता है। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ घूमती है तो वह बिंदु घूर्णन का केंद्र कहलाती है। घूर्णन द्वारा घूमे गए कोण को घूर्णन कोण कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक पूरे चक्कर में 360 डिग्री का घूर्णन होता है। अगर हम इस वर्ग को एक चौथाई चक्कर पर घुमाएं तो आकृति अपनी प्रारंभिक स्थिति पर आ जाती है। एक पूरे चक्कर में ऐसी चार स्थितियां हैं जब यह वर्ग पहले जैसा दिखाई देता है। इसी कारण हम कहते हैं कि इस वर्ग में क्रम चार की घूर्णन सममिति है। हमने सीखा कि सममिति किस प्रकार प्रकृति में पाई जाती है। सम बहुभुजों जैसे त्रिकोण में तीन रैखिक सममिति होती है। रैखिक सममिति में एक भाग दूसरे भाग का दर्पण प्रतिबिंब होता है। घड़ी की सुइयां घूर्णन करती हैं। वर्ग में
चार की घूर्णन सममिति होती है। सभी आकृतियों में क्रम एक की घूर्णन सममिति होती ही है। धन्यवाद।